दोस्तों आज की कहानी है बाबी जी मेरे लिए माँ के गहने कीमती नहीं मेरा मायका कीमती है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटी तो जल्दी से घर आ जा। अतुल अपनी बहन अंकिता से फोन पर बोला, भैया क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अंकिता ने हैरानी से पूछा। नहीं कुछ सही नहीं है माँ, इतना बोला अतुल, फूट फूट कर रो दिया। क्या हुआ है माँ को अतुल की बात सुन अंकिता लगभग सिला उठी। तू बस घर आ जल्दी, अतुल ने ये बोल फोन रख दिया। अंकिता ने जल्दी से अपने पति नीलेश को फोन किया और उसके साथ मायके के लिए निकल गई। मामा अंकिता मायके पहुंच दरवाजे से ही आवाज लगाती, अंदर घुसी पर ये क्या, माँ तो सभ्य सादर में लिपटी पड़ी थी जमीन पर। एक पल को अंकिता ठिठक गई, नीलेश ने उसे झंझोटा, तब होश में आई और माँ से लिपट बिलख पड़ी। उसकी सितकार सुन सभी की आंखें आंसुओं से भर गई। एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। अंकिता रोए जा रही थी, माँ से लिपटी नीलेश ने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, पर अंकिता तो माँ को छोड़ने को तैयारी नहीं थी। छोटी उठ खड़ी हो, इतना रोएगी तो माँ मुझसे गुस्सा हो जाएगी। भरी आंखों से अतुल उसे उठाया, बोला, भैया माँ को ये क्या हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ भैया मैं माँ के पास आ जाती, उनसे आखिरी बार मिल तो लेती। अंकिता भाई से लिपट रोते हुए बोली, माँ की रात को ही तबीयत बिगड़ी थी, अचानक घबराहट हो रही थी, उन्हें इन्हें फोन करने को उन्होंने मना कर दिया था, सुबह तक सब खत्म ही हो गया। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो क्या मैं माँ की बात सुनता? अतुल रोते हुए बोला। दोनों भाई बहन जोर जोर रो रहे थे, लोगों ने उन्हें अलग किया और अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हुई। ये कैसा विधि का विधान है, जो इंसान हंसता हुआ घर की जान होता, जिसके बिना घर अधूरा होता है, वो पल में मिट्टी बन जाता, जिसको सब को घर से अलग करने की जल्दी होती है। खे रोते बिलखते अंतिम रस्म भी हो गई और फैलाता घर में सन्नाटा। जी हाँ घर लोगों से भरा था, फिर भी सन्नाटा था। अंकिता मायके आई थी पर आज उसको लाड़ लड़ाने वाली माँ नहीं थी, तो उसके लिए जैसे मायका मायका नहीं रह गया था। क्या मेरा इस घर से नाता टूट गया? अचानक उसके मां से आवाज आई, नहीं नहीं मेरे भाई भाभी भतीजे हैं और साथ ही माँ की यादें हैं, ये मेरा मायका हमेशा सलामत रहेगा। उसने खुद से ही जवाब दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पगड़ी रस्म भी हो गई। अब अंकिता को अपने घर वापिस लौटना था। छोटी माँ का संदूक अभी तक खोला नहीं है हमने, चल उसे तू अपने हाथ से खोल और जो ले जाना है ले जा। अंकिता के घर लौटने से पहले अतुल ने उससे कहा, भाई मैं क्यों, क्या अंकिता दुख और असमंजस के मिले जुले भाव से बोली। चल तो अतुल उसका हाथ पकड़ कर ले गया, साथ साथ उसकी पत्नी शेफाली भी थी। कमरे में जाकर अतुल ने माँ के बिस्तर के सिरहाने से साबी उठाई और अंकिता को पकड़ा दी। भाभी लीजिए ताला, आप खोलिए, ये आप कहाँ के? अंकिता वो साबी शेफाली को दे बोली। पर अंकिता क्यों? अतुल बोला, भैया आप चुप रहिए, ये घर बेटी और बहू के अधिकार की बात, इस घर पर मुझसे ज्यादा भाभी का हक है, लीजिए भाभी खोलिए। अंकिता बोली। संदूक खुलने के बाद उसमें कुछ कीमती साड़ियां और जेवर निकले, साथ ही अंकिता और अतुल के बचपन के कपड़े। अंकिता ये गहने जो तुम लेना चाहती हो ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है इन पर, बाकी भी जो चीज तुझे पसंद हो ले ले। अतुल प्यार से बोला, भैया इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे इससे कीमती चीज चाहिए। अंकिता बोली, कीमती चीज वो क्या? शेफाली ने
हैरानी से अतुल को देखते हुए पूछा। एक बार को उसके मन में ये विचार भी आया कि कहीं घर में हिस्सा तो नहीं मांग लेगी अंकिता। भैया भाभी एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसका मायका होता, जो माँ के बाद भाई भाभी से चलता। मैं आपसे अपना मायका मांगती हूँ, बस जब जब यहाँ एक बेटी का प्यार दुलार और सम्मान पाऊँ, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ कीमती नहीं। अंकिता दोनों के आगे हाथ जोड़े बोली, पगली तेरा मायका जैसे कल था वैसे आज और हमेशा रहेगा, समझी शेफाली अंकिता के जुड़े हाथ थाम कर बोली। तो अंकिता शेफाली के गले लग कर रो पड़ी। जो तेरा हक है वो इस घर में हमेशा रहेगा, पर माँ की चीजों पर भी तेरा हक है, तो माँ की आखिरी निशानी समझ कर ही इन्हें ले ले। अतुल उसके सिर पर हाथ फेर बोला, भैया माँ की निशानी के रूप में बहुत खुश है मेरे पास, फिर भी आप जिद करते हैं तो एक तस्वीर मुझे दे दीजिए माँ की, बस वही मेरे लिए अनमोल निशानी है। ये कहने भाभी की अमानत। अब अंकिता बोली, उसकी जिद के आगे अतुल ने हार मान ली और उसे माँ की तस्वीर के साथ विदा किया। गाड़ी में बैठते में अंकिता की आंखें नम थी, पर चेहरे पर संतोष था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। उधर शेफाली और अतुल भी सोच रहे थे, कितनी समझदार हो गई अंकिता, वरना आजकल तो बहने भी संपत्ति विवाद में रिश्ते खो देती हैं। दोस्तों ये सच है, हमारी सरकार ने बेटियों को भी माँ बाप की चीजों पर बराबर का हक दिया है, पर मेरा मानना यही है मगर बेटी का ससुराल सुविधा संपन्न है तो उसी चीजों का लोभ न कर अपना मायका सलामत रखना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर भाई सुविधा सपन है और बहन को भी जरूरत है तो बेझिझक उसका हिस्सा उसे दे देना चाहिए। साथ ही उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मानो हिस्सा ले बहन ने गुनाह किया हो।